सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो हमारे भाई का बिहाइंड द व्हील्स चैनल देख रहे हो। और आज भाई और मैं जो है वो साथ में मिलके कुछ वीडियोस बना रहे। भाई ने बोला था कि एक जबरदस्त वाला इंटरव्यू हम लोग लेने वाले हैं, तो भाई इंटरव्यू के लिए हम लोग रेडी है। मेरा भाई भी यहाँ पर, एक बार हेलो बोलो भाई। हेलो। तो भाई का कैमरा जो है मैंने हाईजैक कर रखा है आज थोड़े दिन के लिए, ठीक है। तो भाई कैसे क्वेश्चन पूछोगे, बढ़िया कैसे, खतरनाक भाई, खतरनाक आग लगा देंगे, आग लगा दोगे। तो भाई वीडियो एंजॉय करो, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेहनत कर रहे हैं भाई और सपोर्ट करना आप लोगों का बनता है। एंड चलो भाई करते हैं आज का इंटरव्यू स्टार्ट। करो भाई इंटरव्यू, बिल्कुल स्टार्ट करो भाई। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप यूट्यूब नहीं करते तो क्या करते? तो गाइज अगर मैं यूट्यूब नहीं करता तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली रेडियो जॉकी होता है, यानी कि रेडियो में आरजे जो है वो बन के कुछ ना कुछ बोल रहा होता, जो कि मेरा आज भी मन है कि भाई मैं रेडियो जॉकी जरूर बनूं। कोई है भाई, कब से पैशन है रेडियो जॉकी या फिर कब से शौक है? भाई रेडियो जॉकी जो है बेसिकली मेरा नाम राहुल जोशी है असलियत में, तो आरजे मेरे नाम पे भी है, ठीक है। इसी के साथ में ये पैशन जो है ये 10th-11th क्लास से मेरा ज़्यादा बढ़ गया था और ग्रोइंग ईयर्स में, क्योंकि मैं मास्कॉम स्टूडेंट हूँ तो ऑफकोर्स ये बातें बोलने का शौक है, तो भाई तब से ये और ज़्यादा ग्रो होता है। भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कमेंट आपने आज तक जो अपने वीडियो पे आपके आया हो? भाई बेस्ट कमेंट यही आया है कि भाई आप जो है यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो और हम लोग जो है आपकी वीडियो का वेट करते हैं पूरे तहे दिल से। और सबसे बेस्ट था जब भाई जिस टाइम पे चैनल हैक हुआ था उस टाइम पे लोगों का बहुत मोटा सपोर्ट था और लोगों ने एक ही बात बोली थी कि भाई चैनल वापसी आएगा, और आपके सामने चैनल वापसी आया। तो भाई ये कितना दिन का पीरियड था जितना आपका चैनल का? 20 दिन। 20 दिन भाई मेरे को, मतलब सफरिंग जो थी वो 20 दिन की थी, लेकिन सफरिंग मेरी ऑडियंस की वजह से, जो मेरे फैमिली मेंबर्स है उनकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अंदर वाला सपोर्ट किया था। लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा हो यूट्यूब में आने के लिए? यूट्यूब में आने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो था वो था भाई मुंबई का निखिल से। अगर आप में से कोई भी मोटो व्लॉग्स फॉलो करते हो एज यूजुअल, तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ा एक उनको देखने के बाद मैं इंस्पायर्ड हुआ कि हाँ भाई भाई जो है इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई, और आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो आज इस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हुए। तो भाई आप जो क्वेश्चन है, आपका फेवरेट यूट्यूबर और क्यों? सो गाइस मेरा फेवरेट यूट्यूबर जो है वो मुंबई का निखिल है, एंड रीजन बीइंग कि ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एंड एज यूजुअल भाई देखने से इंस्पिरेशन मिलती है और कुछ ना कुछ सीखने को हर वीडियो में मिलता है। तो जैसे कि भैया और भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले कब रियलाइज हुआ कि आप फेमस हो चुके हैं? भाई देखो यार, फेमस नहीं कहूँगा मैं इसमें, एक चीज़ यही कहूँगा कि पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू, क्योंकि आप अगर वीडियोस बनाते हो और स्पेशली अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो लोगों को आपको जो जानना होता है वो इजी हो जाता है। फेमस नहीं बोलूंगा अगेन, क्योंकि फेमस होना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग जब आपको रिकग्नाइज करने लग जाए इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप जब आप यूट्यूब आने से पहले अपनी लाइफ देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मेजर डिफरेंस लगता है आपकी पहले की लाइफ में और यूट्यूबर लाइफ? सो भाई देखो, अगर आप नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करते हो यूट्यूबर की लाइफ, तो पहले की लाइफ जो थी वो थोड़ी सी, मतलब आप लोग कह सकते हो पेशेंस वाली लाइफ थी। अब जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पूरी रश वाली है, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ शूट करना है, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहना है, एंड जो आपका माइंड का पूरा सेटअप होता है दैट विल बी वेरी फास्ट, और आप बहुत तेज़ी से काम करते हो, जो कि अच्छा भी है क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो भाई इसमें जितना काम करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो राहुल भाई, कोई ऐसी हॉबी जो यूट्यूब पर किसी को नहीं पता, मतलब एज अ ले मैन नहीं पता आपके बारे में? यार मेरी हॉबी जो थी, अब तो थोड़ा पेट वेट निकल गया, नहीं तो क्रिकेट खेलने का और फुटबॉल खेलने का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था, अब पेट निकल गया इसलिए ये हॉबी के बारे में किसी को पता नहीं है। बाकी मेरे को स्पेशली गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, और भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे को मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इवन जो भी नई गाड़ी, जैसे गाड़ी कह रहा सॉरी, कोई भी न्यू मूवी रिलीज होती है तो हम लोग जो उसके ऑफकोर्स की बातें में देखने जाते हैं। जो आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, या कोई करियर गोल? सो अगले 5 साल में यार देखो, हर कोई बंदा अपनी लाइफ में जो है अपने आप को ऊपर उठते देखना चाहता है, तो अगले 5 साल में मैं जो उम्मीद करता हूँ कि मैं और अच्छा यूट्यूब में ग्रो करूँ, एंड स्पेशली मेरे पास अच्छी सी कोई एक गाड़ी हो, जो कि लग्जरी गाड़ी हो, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने पैसों से अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदूँ। अगेन हमारे पास एक सुपर बाइक कह सकते हो आप या क्रूजर बाइक कह सकते हो, तो ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है, इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग, और यही है भाई मेहनत करते रहो और सब कुछ मिल जाता है। राहुल भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई करने के लिए को छोड़ के, ठीक है, कोई ऐसा यूट्यूबर जिसको आप मिलना चाहते हो पर्सनली या फिर उसके? यार भाई मैं पर्सनली जो हूँ सब यूट्यूबर से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भाई वीडियोस बनाते हैं दे आर डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क, और ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी के बहुत बड़े फैन होते हो या आपका कोई बहुत बड़ा फैन होता है, इट जस्ट लाइक कि हम लोग वी आर वर्किंग फॉर इंडियन कम्युनिटी, और इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो सब एक साथ मिलेंगे, तो ऑफकोर्स ही बात है भाई मैं तो सबसे मिलना चाहता हूँ। आप शूटिंग के टाइम पे कौन सा कैमरा और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए? सो गाइस मैं शूटिंग के टाइम पे वैसे यूजुअली मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं अपने आईफोन एक्सेस से शूट करूँ,
नहीं तो जो मेरे पास टेम्परेरी या फिर कह सकते हो जो मेरा प्राइमरी कैमरा है वो है मेरा कैनन 200D, इसी के साथ में G7X Mark II। तो इन दोनों कैमरेज को मैं यूज़ करता हूँ। यूजली मेरे को मज़ा आता है अपने आईफोन एक्सेस से क्योंकि बहुत ड्यूरेबल है। सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ प्रीमियर प्रो और सबसे बेस्ट वही है। राहुल भाई ये जो मुसाफिर नाम है मुसाफिरा का जो ये आया कहाँ से? सो भाई देखो मुसाफिर नाम जो है वो मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, आकृति ने मेरे को नाम दिया था कि मुसाफिर नाम रख। AK का मतलब होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज जोशी। तो भाई इसका पूरा मतलब यह है मुसाफिर ऑल्सो नोन एज जोशी। कोई और भी यूजर नेम है यूट्यूब के लिए आपके जो मन में थे पैरेलल चल रहे यार थे, मेरे दिमाग में यही था मुसाफिर रख लूँ बस। मतलब जो मेरे को मिले थे फिर आकाश जोशी हो गए मुसाफिर ब्लॉग्स, ऐसा कुछ सोचता रहता है इंसान भाई, सोचने का काम है। राहुल भाई जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है मुंबई कर निखिल के अलावा ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसकी अगर आपको 24 आवर्स मिले उसकी लाइफ जीने के ठीक है आप बनना चाहें? भाई मैं लाइफ जीना चाहूँगा कैन ब्लॉक की। सो इज द नंबर वन ड्रिफ्टर इन द वर्ल्ड और भाई वैसी लाइफ अगर मिल जाए और वैसी ड्रिफ्टिंग हमें आ जाए तो भाई मैं दिल्ली की रोडों में तो धूम मचा दूंगा। चलान वलान बहुत होंगे चलान तो देख लेंगे चलान देख लेंगे भाई कोई दिक्कत। तो गाइस आपने राहुल भाई की या फिर मुसाफिर भाई की गाड़ियों के बारे में तो बहुत वीडियोज है यूट्यूब पे, बहुत ब्लॉगर्स ने भी डाली है, भाई ने अपने चैनल पर भी बहुत वीडियोज है, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं मशीन ड्रीम मशीन और सुपर बाइक इसे हम कह सकते हैं जो खड़ी है आर्ले डेविडसन आयरन 83, इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोज हैं। तो एक बार भाई से जानते हैं ये कब ली और कौन सा मॉडल है कौन सी ईयर के, सारी डिटेल्स आपको राहुल भाई देंगे। सो गाइस ये गाड़ी मैंने प्री ओन्ड ली थी, यानी कि ये गाड़ी यूज्ड है, यानी कि गाड़ी सेकंड हैंड है, मैंने इसका सेकंड ओनर हूँ। आई एम ए प्राउड सेकंड ओनर ऑफ दिस कार। दिस इज अ 2017 आयरन 883 हार्ली डेविडसन की जो है, इट्स अ परफेक्ट मशीन, इट कम्स विद ABS, इसलिए मेरे को ये हल्की फुल्की महंगी पड़ी थी। आई लव दिस बाइक और भाई मेरे को बाइक्स का बहुत स्टार्टिंग से क्रेज है। भाई मेरा जानता है मेरे पास इलेक्ट्रा थी, मैं उसको खूब चलाता था कॉलेज में, बाहर खूब मैंने चलाई है और एंड जो है मैंने उसको बेच दिया था। सो ये मेरी मशीन है। अगर आप लोग कहोगे भाई की वीडियो के माध्यम से कि भाई आप वीडियोस बनाओ तो जरूर इसके ऊपर वीडियोस निकालेंगे। मोटो व्लॉगिंग का सेटअप थोड़ा मोटा होता है, वैसे मैं बहुत ज्यादा बात करने वाला बंदा हूँ लेकिन स्टिल जो मोटो व्लॉगर्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड। भाई कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं लेकिन आई लव दिस मशीन ट्रूली। और बहुत जल्दी हमें शायद मुसाफिर भाई के चैनल पर देखने को मिल सकते हैं मोटो व्लॉग्स। बिल्कुल भाई कोशिश करेंगे, सीख रहा हूँ मैं, हर चीज सीखता हूँ, मेरे भाई से भी कुछ सीखूंगा, आपसे भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मोटो व्लॉग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. So, आप लोगों ने भाई की वीडियो मेरे साथ देख ली, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। इंट्रो आउट्रो आपके भाई ने करी है, भाइयों को सपोर्ट करो। चैनल का नाम बताओ। बिहाइंड द व्हील्स और व्हील्स में S की जगह Z है, व्हील्स में S की जगह में Z है तो व्हील्स हो गया, ठीक है। सो भाई के चैनल को फुल पावर सपोर्ट करो, कंटेंट अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा दूसरा भाई है बहुत शांत है, बहुत वीडियो शूट करते हैं, तो भाई एक बार अपना नाम बताओ। हिमांशु। हिमांशु भाई इज अ वेरी जेन्युइन गाय और अभिषेक भाई के ब्रदर है आप, ठीक है भाई। अभिषेक दुबे भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई क्या हालचाल है, बढ़िया, ठीक है। सो विद दिस साइड गाइस करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। आप लोगों ने एंजॉयमेंट आई गेस पूरी की होगी, जितना भाई ने सपोर्ट किया उतना आप लोग भी सपोर्ट करते हो और जितनी मेरी ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है तो भाई को भी उतना ही प्यार दो। सो विद दिस साइड गाइस करते हैं आज की वीडियो को एंड। सो मैं अपने स्टाइल में कर दूं है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड ऐसे कर दो, हाँ ऐसे रखो, बाय बाय।